सर्विसेज तकरीबन 11 साल से रियल स्टेट के ऊपर चल रही है, जिसके अंदर हम लोग बाइंग, सेलिंग, लीजिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हॉलीडे होम, सब हर चीज़ को देखे रहते हैं। Okay, first of all, my name is Salwa. I'm Tunisian. I'm working the next level for 10 years. I'm a CIPS. I'm a certified international property specialist. आजकल पाकिस्तान की मार्केट आपको भी पता है पहले कहाँ पर थी और अब कहाँ पर आ गई है, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स हमारे ऐसे हैं कि उनके पास कभी टाइम नहीं होता, नहीं आ पाते, तो इसी वजह से हमने कल और आज की एग्जीबिशन इसलिए रखा कि ताकि लोगों को पता चले। एग्जीबिशन में हम लोग पाकिस्तानियों को बताने आए हैं कि जितना उनको लगता है कि दुबई में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी है या बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ऐसा नहीं है, आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को डबल करनी है या आरओआई की तरफ जाना है, बेहतरीन आरओआई अप टू 14% आ रहे हैं, तो मैं तो इससे अच्छी मार्केट पूरी दुनिया में किसी को नहीं देखता हूँ। इस हवाले से कि हम कराची आए हैं, माशाल्लाह कराची की आवाम ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया है और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कराची की आवाम की। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 7E टैक्सीज और एक ऐसी शफाफ पॉलिसी दे दें जिसके तहत पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब जो है कराची में और पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकें। नुकसान का घर वो कम हो, तो जाहिर बात है कि हर कोई उस तरफ जाना पसंद करता है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये होना चाहिए। हर बड़ा ब्रांड, हर बड़ी कंपनी जो प्रिफेयर करती है वो दी मेमन टीवी में करती है। किसी ने किसी से पूछा कि रास्ता बेहतर होता है या मंजिल, तो किसी बड़े दाना शख्स ने जवाब दिया कि हम सफर बेहतर होता है। कि अल्लाह इनको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, अपनी और पाकिस्तान की मईशत को ये बहाल करें इंशाअल्लाह। सब बहुत कोऑपरेटिव है और सबके पास नॉलेज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप कहीं भी रिस्क फैक्टर जो भी होते हैं, जितने रिस्क फैक्टर्स होते हैं सब आपको बता देते हैं। दुबई का एक्सपोजर मिलते हुए जहाँ पर आपको कई जगह लैंग्वेज बैरियर आते हैं, तो वो लैंग्वेज बैरियर अब्दुल अहद भाई और नेक्स्ट लेवल के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि ये कराची पे पाकिस्तान में भी इसी तरह इंगेज करें लोगों को, ताकि उनका भी यहाँ रियल इस्टेट बिजनेस उसी तरह डेवलप हो, उसी तरह बढ़े। हमारी इकोनॉमी को भी तरक्की मिले और ज़्यादा हमारा मुल्क तरक्की करेगा। रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है और इसमें नुकसान का कोई चांस नहीं होता, जहाँ तक वो अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा डिज़ास्टर ना हो जाए जब तक तो कोई नुकसान नहीं है। तो लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।